फ्रेंड्स क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खरीद होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और सबसे शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए दोस्त आए हैं। आज मैं आपको एक तो चैनल के बारे में बात करूँगा कि किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फिर कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए होते हैं उनका जवाब दूंगा आज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कमेंट्स के बारे में, फिर चैनल के बारे में बात करेंगे किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ले सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देखें, कामयाबी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, चैनल बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, एक मोबाइल हो तो चैनल बन जाता है। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो आज है कमेंट के ऊपर। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझे ये कमेंट किया था कि भाई हम जो आप काम सिखाते हैं, मतलब ऑनलाइन वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे दोस्त आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमने काम सीखना है, आप ये बताएं कि हम कितनी देर में काम सीख लेंगे या चुनाई कितनी देर में लगा लेंगे, लगाना जानते हैं हम, तो मतलब किस तरह हम ये काम सीख सकते हैं। मैं आज इसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप चुनाई सीखना चाहते हैं तो कम से कम आपको 6-7 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद अगर आप प्लास्टर सीखते हैं फिर भी 6-7 महीने का टाइम लगता है। अगर आप कंप्लीट कारीगर बनना चाहते हैं, आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह कितना हैंडल कर सकते हैं मैप वगैरह देखने वक्त। वैसे मेरे हिसाब से 3 साल मस्ट है अगर आप अच्छे कारीगर बनना चाहते हैं। फिर भी इंसान कारीगर तो पूरी उम्र नहीं बनता, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर हो जाता है कि अपना आप कुछ कमा सकता है, मतलब नक्शा वगैरह देख लेता है, चुनाई वगैरह लगानी आ जाती है और बहुत सारे कुली होते हैं इसके, लेकिन 3 साल मस्ट लग जाते हैं। चुनाई सीखनी होती है, प्लस्तर और बहुत सारे गुनिये होते हैं, कुलिये होते हैं काम के जो आपको आना लाजमी होते हैं। काम के बारे में तो गई हो बात हो, अब बात कर लेते हैं कि आप YouTube चैनल कैसे स्टार्ट करें। जो दोस्त कई मुझे कमेंट में करते हैं कि भाई हमने नया YouTube चैनल स्टार्ट करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कोई पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता। एक मोबाइल से एक ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं जिसे हम जीमेल भी बोलते हैं, उसके ऊपर ही आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। अच्छा, अपने नाम पे बना लें, व्लॉगिंग पे बना लें, उसके ऊपर आप काम स्टार्ट करें, अच्छी वीडियोस बनाकर डालें, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, ये चीज़ें प्रॉपर यूज़ करें, उसके अंदर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। पहले दिन आप वीडियो अपलोड करेंगे कम व्यूज़ आएंगे, फिर आहिस्ता 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 व्यूज़ बढ़ते जाते हैं और आपकी कामयाबी आपके कदम चूमती है। लेकिन हिम्मत नहीं इंसान को हारनी चाहिए। मैं खुद की बात बताता हूँ, किसी के ऊपर मैं नहीं जाता। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मतलब मेरे पास इतना अच्छा कंटेंट नहीं होता था, लेकिन मैं फिर भी अपनी कंस्ट्रक्शन वर्क की वीडियोस डालता था, जो मतलब काफ़ी अच्छा लोगों ने प्यार दिया, आप भाइयों ने के सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, मतलब कि कंटेंट था मेरा अपना ओरिजिनल, कोई कॉपीराइट वीडियो नहीं थी। मैंने 1.5 साल हो गया अब तक जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 1.5 साल हो गया तकरीबन मुझे चैनल बनाए हुए, और मैंने मतलब मोनेटाइजेशन भी ऑन करवा ली है और पेन भी वेरिफिकेशन करवा ली, इसकी जो है ना वेरिफिकेशन पेन आती है वो भी मैंने करवा ली है। सब कुछ मैं अपने मोबाइल के ऊपर हैंडल कर रहा हूँ। ये जो वीडियो बन रही है ये भी मोबाइल के ऊपर बन रही है, अब इसकी एडिटिंग भी मोबाइल के ऊपर ही होगी। अगर आप मोबाइल के ऊपर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपको एक पूरा प्लेयर मिलेगा काइन मास्टर से वीडियो एडिटिंग करने का। फिर पिक्स आर्ट जो जिससे मैं यूट्यूब के थंबनेल लगाता हूँ ना, एक पिक्स आर्ट सॉफ्टवेयर, एक काइन मास्टर सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग और पिक्चर एडिटिंग के लिए काम आते हैं। यूट्यूब स्टूडियो को समझना बहुत लाजमी होता है, उसके लिए एक YT स्टूडियो ऐप होती है जो प्ले स्टोर से आम मिल जाती है, वो इंस्टॉल करनी होती है जो यूट्यूब चैनल नया स्टार्ट करते हैं। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग और चैनल मोबाइल पर बना सकते हैं, कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, डेली वीडियो अपलोड करनी है, इसी तरह आप कामयाब हो सकते हैं। फिर उसके बाद किसी की कॉपीराइट वीडियो अपलोड ना करें, कोशिश करें अपना कंटेंट बनाने की। अपना कंटेंट बनाएंगे एक वैल्यू होगी आपकी, फेस वाली वीडियो बनाएं जिस तरह मैं फेस वाली वीडियोस बनाता हूँ। बाज़ अवकात ऐसा हो जाता है कि मेरे पास जो है ना कोई कैमरा पकड़ने के लिए बंदा मौजूद नहीं होता, तो फिर मैं अपने मोबाइल से वीडियो शूटिंग करता हूँ, तो मैं फेस सामने नहीं लाता, वरना मैं फेस वीडियो बनाता हूँ। हाँ, अगर किसी ने अपने घर का काम करवाना है, कंस्ट्रक्शन वर्क, चनाई, मार्बल, टाइल, लेंटर,
घर का कंप्लीट काम आप मुझसे करवा सकते हैं इंशाल्लाह, अच्छा और खूबसूरत काम करके देंगे। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में किया करें, और अच्छे कमेंट किया करें, प्यारे कमेंट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, फ्री होता है सब्सक्राइब, कोई भी इसका चार्जेस नहीं होता। और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में करें। अगर आप नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन के अंदर चल रहा होता है, आप रब्ता कर सकते हैं काम करवाने के लिए। कोई घर का मसला है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनवाने के लिए, मैं बनवाने के लिए बहुत सारी है, मतलब ऐसी जो है ना, मैं आपको शूट्स देता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँ, वीडियोज़ देखें और नंबर उठाएँ, अपनी अपनी मालूमात शेयर करें मेरे साथ, इंशाल्लाह अच्छी मालूमात मिलेगी। ओके बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज़।